सरोकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लताड़ा कहा, एक खतरनाक देश है पाक। भुखमरी में भारत की रैंकिंग काफी खराब, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पिछड़ा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 38वां दिन आज, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यात्रा में आज होंगे शामिल। शोपियां में टारगेट किलिंग, आतंकवादी ने कश्मीरी पंडित की गोली मार के की हत्या। T20 वर्ल्ड कप के लिए कल से होगा महाजंग, 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में राजकीय डाक टिकट प्रदर्शनी का सीएम योगी ने उद्घाटन किया, जिसके तहत 15 से 17 अक्टूबर यूफी लेक्स 2022 का आयोजन हुआ है, जिसका आयोजन ललित कला अकादमी अलीगंज में हुआ है। तो वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहाँ 300 प्रकार से अधिक डाक टिकटों का प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक डाक टिकट अभी भी मौजूद हैं। मुरादाबाद में आरवीएस महासम्मेलन में सीएम योगी ने हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सांस्कृतिक आंदोलन तक में आर समाज की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। कानपुर में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी की बैठक करने पहुंचे, जिसमें डिप्टी सीएम ने शहर की सभी सीटों जीतने का दावा किया। तो वहीं AIMIA अध्यक्ष ने बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि संवैधानिक संस्था का सभी को सम्मान करना चाहिए। कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं और हम कानपुर की सभी सीटों पर स्थानीय निकाय में चुनाव जीतेंगे। उसकी बृहद तैयारी बिंदुवार आज हम लोग तय करेंगे और हर स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के, आदरणीय योगी जी के लाइन आर्डर को लेकर के आम जनता बहुत खुश है। गरीब आदमी, आम आदमी अपनी सरकार समझ रहा है और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ आपको भी इस बात की सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर हैं, जहां पहली बार मुख्यमंत्री ग्रीवेंस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही सेक्टर 12 में कष्ट निवारण बैठक में आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ ही जनता दरबार में लगभग 300 शिकायतों का निपटारा भी करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर हैं, जहां पहली बार मुख्यमंत्री ग्रीवेंस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही सेक्टर 12 में कष्ट निवारण बैठक के आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ जनता दरबार में लगभग 300 शिकायतों का निपटारा भी करेंगे। फरीदाबाद दौरे पर सीएम मनोहर वहाँ पर लोगों का समस्याओं को सुनेंगे और वहाँ की जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। जहां पहली बार मुख्यमंत्री ग्रीवेंस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे हुए हैं, सेक्टर 12 में कष्ट निवारण बैठक के आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। लखनऊ में प्रारंभिक अहर्ता पैट 2022 परीक्षा में मद्देनजर जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्र का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय बालिका इंटर
कॉलेज जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के कड़े निर्देश दिए। इसमें प्रायः देखने में आता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो समय से नहीं पहुंच पाते हैं। जो अभ्यर्थी समय से नहीं पहुंचेंगे, आधा घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, उसके बाद में उसमें प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो सभी लोगों से मैं आग्रह ये करूंगा कि वेल बिफोर टाइम, समय के पर्याप्त पूर्व अपने यहाँ पहुँचें। बाकी अभी पहली पारी की परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है, एकदम सकुशल रही। सभी केंद्रों पर कहीं कोई अव्यवस्था नज़र नहीं आई, सब जगह व्यवस्थित तरीके से पहली पाली का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के मंडी रोड पर ट्रक और पेट्रोल के टैंक में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं ट्रक और पेट्रोल टैंक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत के बाद पेट्रोल टैंक पलट गया, जिससे सारा पेट्रोल बाहर निकल आया, जिसे लूटने के लिए बच्चों से लेकर अधेड़ उम्र के लोग अपनी जान पर खेल गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पेट्रोल का टैंक पलटने के बाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम क्यों नहीं किए। रात को 6:30 बजे करीब ये ट्रक पलटा था डीजल पेट्रोल का जी। पलटने के बाद उल्टा हो गया, पेट्रोल फैल गया। अब गांव के लोग आए थे, पेट्रोल भर रहे थे और व्यवस्था भंग है, किसी ने तीली दिखा दी तो आग लग गई, सैकड़ों लोग मर जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम बघेल। देवरिया में लगातार हो रही बारिश से कई गांव जलमग्न होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक की ओर से ग्रामीणों को हर समुचित व्यवस्था की जा रही है। किसी भी ग्रामीण को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं रुद्रपुर विधानसभा के पटवनिया गाँव में विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। गाँव में रुंड हो गए हैं रुद्रपुर तहसील के, हमारे विधानसभा क्षेत्र के उन सभी गांव में, मेरुंड गांव में परिवार की सूची बना करके प्रत्येक परिवार को बाढ़ राहत सामग्री उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से दिया जा रहा है। उसमें एक परिवार को पर्याप्त मात्रा में एक सप्ताह भर के लिए भोजन करने के लिए लइया 5 किलो, चना 2 किलो, गुड़ 1 किलो, मोमबत्ती 1 पैकेट और माचिस 1 पैकेट, बिस्किट। गाजीपुर के अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पैट की परीक्षा को सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है, तो वहीं परीक्षा को सकुशल तरह से पूरा कराए जाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। देखिए, पूरे जनपद में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पैट की परीक्षा चल रही है। हमारे यहाँ 16 केंद्र बनाए गए हैं, इसमें 10 केंद्र एडेड हैं और 6 राजकीय केंद्र हैं, और सभी केंद्र पे केंद्र व्यवस्थापकों की, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की, जोनल मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग हो गई है, तैनाती हो गई है, सभी काम कर रहे हैं। परीक्षा 15 और 16 को जो है वो आयोजित न की गई थी, उसमें 16 न परीक्षा केंद्र हैं और 30,000 से अधिक जो है वो न परीक्षार्थी हैं। सभी सेंटर को न सुरक्षा व्यवस्था से सिक्योर जो है वो कराया गया है, और बाकी जितने भी कल के दिन में जितने भी सराय, होटल, ढाबे जितने भी हैं, उनको पूरी तरीके से चेकिंग किया गया, किसी भी तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे ना रुके हों। सेक्टर और जोन में न पूरे नसूला जो सेंटर से उस एरिया को बांटा। देखिए, पूरे जनपद में बहुत शांतिपूर्ण तरीके। चंदौली में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा किया, साथ ही पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। दरअसल मृतक को लड़की का MMS बनाना महंगा पड़ गया, जिसको डिलीट न करने की जिद के चलते प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के करवत का है। लड़की का MMS बनाना महंगा पड़ गया, जिसके कारण प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है इस पे। इस खबर पर हमारे साथ चंदौली से अजीत मौजूद है। अजीत, लड़की का MMS बढ़ाना महंगा पड़ गया और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है, इस पे आपके पास क्या जानकारी है? मुगलसराय थाना क्षेत्र के करवट गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पे कल रात में तीनों दोस्त एक साथ थे और बात विचार करने के दौरान हत्या करने वाले को दारू पिलाकर
और इसको लाया गया, उसकी हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले जो जिसकी मृत्यु हुई है वो लड़की का वीडियो, अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके कारण से ब्लैकमेल कर रहा था लड़की को, जिसके कारण से दो लोग आज उसकी मेन रात में कल उसकी हत्या कर दे, और वहीं पुलिस 24 घंटे के अंदर दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया। जी इसमें कार्रवाई क्या की गई, दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है? जी वहीं आपको बता दें कि एसपी के द्वारा आज खुलासा किया गया है, और वहीं दोनों अभियुक्तों को पकड़ कर और संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया। जी अभी पूछताछ चल रही है। हरदोई में लखनऊ पलिया हाईवे पर बस की टक्कर से एक की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम कर दिया है। लगभग डेढ़ घंटे तक हाईवे जाम रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और जाम को खुलवाया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। थाना शाहबाद क्षेत्र के अंदर ग्राम बिलहरी में एक बस से दो व्यक्तियों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक पुरुष एक महिला थे। पुरुष जो नईम है उनके देहांत हो गया है तुरंत, और महिला जो है अभी उनका इलाज चल रहा है, जो कि हरदोई रेफर किया गया है। पंचायतनामा भर करके जो है उनकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, और जो है जो जो बीमार जिनको इलाज के लिए उसको हरदोई रेफर किया है उनको इलाज कराया। लखीमपुर में किसान नेता श्यामू शुक्ला 14 दिन से धरने पर बैठे हैं। तहसील और ब्लॉकों की मनमानी, बिजली विभाग का वादा खिलाफी के चलते किसान आक्रोशित हैं, और वहीं डबल डेकर बस ट्रैक्टर ट्राली के चालान जैसी कई बड़ी समस्याओं को लेकर 14वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में आनंदी माता मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 4 दिनों के अंदर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोर के पास से चोरी के सामान के साथ 36,171 रुपये और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसका सफल अनावरण करने वाली टीम को DCP ने 10,000 का नकदी पुरस्कार दिया। 10:50 की रात में थाना चौक के अंतर्गत एक आनंदी माता की मंदिर है, उस मंदिर से कुछ सामान चोरी हुआ था। इस संबंध में वहां से जो जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई थी और तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस सनसनीखेज घटना को अनावरण करने के लिए टीम गठित की गई थी। ADCP ACP के नेतृत्व में टीम और हमारे सर्विलांस टीम के नेतृत्व में सफलता मिली हुई है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके पास से जो चोरी हुई है, जो मुकुट है, छत्र है, और जो दान पात्र में रखे जो नगद कैश है वो बरामद हुआ है। और बरामदगी के लिए और जो पुनः घटना अनावरण करने के लिए टीम को इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है 10,000 रुपये का, और बाकी जो शेष है इनको सामान सहित माननीय न्यायालय के सामने व्यक्ति को पेश किया जाएगा। श्रावस्ती जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के उच्च प्राथमिक विद्यालय पांडेपुरवा में छात्र छात्राओं के साथ हाथ धोकर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया, और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सभी को हाथ धुलने के लिए प्रेरित भी किया गया। छात्र छात्राओं को साबुन भी बांटे गए। श्रावस्ती में मृतक लेखपाल के परिजनों से लेखपाल का प्रतिनिधि मंडल मिला। साथ ही पदाधिकारियों ने मृतक लेखपाल के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी, और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की राहत सामग्री देने की मांग की, और वहीं आश्रितों को नौकरी और पारिवारिक पेंशन देने की बात भी कही। पहला आने का उद्देश्य था कि उनके घर में, उनके परिवार में जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, और उस परिवार को जितना हमारे तरफ से सहयोग बन सके हम अपना सहयोग दें। दूसरा प्रयास था कि उनके आश्रित को जल्दी से जल्दी सेवा में लाया जाए, और आर्थिक रूप से कितना सहयोग हो सकता है सरकार की ओर से, उसकी मांग करने के लिए हम यहाँ के उच्च अधिकारियों से मिले। देश में महिला अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, जिसको देखते हुए लड़कियां शोधों को जवाब देने के लिए अब मार्शल आर्ट सीख रही हैं। तो वहीं लड़कियों ने आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ब्लैक बेल्ट हासिल
करने का जोश भी दिखने को मिल रहा है। वहीं सबसे खास बात यह है कि 5 साल से लेकर 20 साल तक की लड़कियां जूडो कराटे सीखकर खुद को मजबूत बना रही हैं। तो एक असुरक्षा का भाव लेके निकलती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब वो कराटे या कोई भी मार्शल आर्ट सीखती हैं, जिसमें कराटे मुझे लगता है सबसे बेहतर है, अगर वो सीखती हैं तो उससे उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है उनका, उनके अंदर हिम्मत आती है किसी भी कोई भी ऐसी अवांछनीय परिस्थिति से लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उससे सीखने के बाद उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आत्मविश्वास आता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं आसानी से, चाहे वो कहीं भी जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, नौकरी पे जा रही हैं, कहीं पे भी जा रही हैं, वहाँ पे अगर कोई भी उनके साथ बदमजगी होती है, कोई भी ऐसी कोई भी हालात पैदा होते हैं, तो वो आसानी से उससे लड़ सकती हैं, आसानी से उस सिचुएशन को डील कर सकती हैं। सकूँ दूसरों को भी, जैसे हम लोग बाहर चलते हैं, लड़के छेड़खानी करते हैं हम लोगों के साथ, तो अगर मुझे कोई छेड़खानी करता है तो मैं अपना बचाव कर सकती हूँ और इससे हमारा कैरियर भी है। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर एक लड़की को कराटे सीखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस करना आया है। अब हम कभी भी किसी को भी रोड पे और स्कूल्स के बाहर अब हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक न्यू वो दे रही है, मतलब एक न्यू लाइफ दे रही है, एक मतलब कि एक बहुत ही अच्छी सी, वैसे मतलब कि हम लोग को हाँ अब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।